हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि 3D चिप का यूज़ कैसे करना है। 3D चिप ऐसा है कि हम जो कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन करते हैं विंडो, फिर जो ड्राइवर में जो इश्यू आ रहा है उसको कैसे रिजॉल्व करना है, या कि प्रॉपर डाउनलोड कैसे करना है ड्राइवर। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है 3D चिप नाम का, यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे। वो आपको दिख रहा होगा 3D चिप नेट करके, ये सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना है। यहाँ से जाकर ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल देखने को मिलेगा, इसको इंस्टॉलेशन करना है। हमने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, और इसको सॉफ्टवेयर को ही ओपन कीजिए तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो भी आपकी सॉफ्टवेयर जो भी आपने डिवाइस है उसका कौन सा ड्राइवर है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड में दो है, इंटेल GMA और AMD। आपको इसमें से कौन सा डाउनलोड करना है ये सिलेक्ट करना है, जैसे कि इंटेल, इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो सीधा ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड प्रॉपर ड्राइवर के डाउनलोड पर ले जाएगा। ड्राइवर डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। देख रहे हैं, बस यहाँ पर ड्राइवर डाउनलोड पर क्लिक करके आपका जो भी ड्राइवर हो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।